हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। अभी तक आप लोगों को हम बता चुके हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन दो तरह का होता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक सिंपल इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में आप डीवाई डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में डीवाई डीएक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। सेम डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में आपका डीवाई डीएक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में डीवाई डीएक्स आपका लेस देन जीरो होगा। फिर हम आपको बताए थे कि अल्जेब्रिक टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, फिर हम आपको लॉगरिथमिक टाइप के प्रॉब्लम को, एक्सपोनेंशियल टाइप के प्रॉब्लम को बताए थे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट को दिक्कत आता है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट बुक में अलग तरीके से बनाया है, हम यहाँ पे नंबर लाइन के मेथड से बताएंगे कि जिससे आपका आसानी से बन जाए और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको पता है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता सब पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपका पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। फिर आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस वन और वन के बीच लाई करता है। सेम तरीके से कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो भी माइनस वन और वन के बीच लाई करेगा। साइन थीटा कभी भी इस वैल्यू से बाहर नहीं जा सकता। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच लाई करता है और कॉस थीटा का वैल्यू भी हमेशा माइनस वन और वन के बीच लाई करेगा। यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो जीरो से क्या होगा, पाई बाई टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो पाई बाई टू से क्या होगा, पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो पाई से क्या बनता है, थ्री पाई बाई टू। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो थ्री पाई बाई टू से क्या बनता है, टू पाई। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, पहला पॉइंट। और ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच होगा और कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वन और वन के बीच होगा। और ये चीज आप ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज किए। अब जरा गौर करें, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मेन ये समझना। मानिए आपके पास है tan थीटा इज इक्वल टू वन और थीटा का इंटरवल दिया हुआ है कि थीटा जो है वो जीरो और टू पाई के बीच है। जरा समझेंगे इसको, थीटा का वैल्यू फाइंड करना। tan थीटा वन है, जहां पे थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो जीरो और टू पाई के बीच होगा, तो आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो tan थीटा इज इक्वल टू वन, आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचेंगे। अब आप ये देखिए कि थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जीरो और नाइन्टी के बीच में किस एंगल पे होता है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे होता है, पाई बाई फोर पे। अगर आप पाई बाई फोर रखें, टैन पाई बाई फोर, टैन पाई बाई फोर किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो टैन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, टैन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब यहां पे थीटा का जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट और थर्ड दोनों में होगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों में होगा। अगर आपके पास होता है टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, तो टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन आप देख सकते हैं यहां पे नेगेटिव है टैन थीटा। तो टैन थीटा नेगेटिव है मतलब किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड और फोर्थ में। तो सवाल ये उठता है कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू, और यहां पे थीटा का वैल्यू हम कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे और कैसे थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे। तो इसके लिए आपको 0 से 90 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। 0 से 90 तक का वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन 30 कॉस 30 टेन 30 साइन 60 कॉस 45 टेन 45, ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए अच्छे से। अब ध्यान दीजिए कि इसको आप कैसे हैंडल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, जैसे ये आपका सेकेंड और फोर्थ में है,
ये आपका फर्स्ट और थर्ड में है, ये सेकेंड और फोर्थ में क्यों है? क्योंकि टैन है और टैन निगेटिव है, टैन निगेटिव आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट और थर्ड में क्यों है? क्योंकि ये टैन है और टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव आपका फर्स्ट और थर्ड में होता है। अब जरा गौर करें, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस करेंगे, हमेशा किसको फोकस करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थीटा निकालेंगे, कैसे थीटा निकालेंगे ये हम बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थीटा निकाल ले, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंगल लेंगे पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या एंगल लेंगे? पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल लेंगे पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल लेंगे टू पाई माइनस थीटा। ध्यान दे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, आपको मतलब नहीं है, आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे ये अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। आप हमेशा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा निकालने के बाद अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करना है तो पाई माइनस थीटा लगाएंगे, थीटा ये वाला थीटा जो यहां निकाले हैं वही यहां पुट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मूव करना है तो पाई प्लस थीटा लगाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो टू पाई माइनस थीटा लगाएंगे, याद रखे टू पाई माइनस थीटा। अब हम इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हैं बारी बारी से, तब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे टैन थीटा आपका प्लस वन है, तो सबसे पहले आप चेक कर रहे कि टैन थीटा प्लस वन है तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट और थर्ड में, मतलब फर्स्ट और थर्ड में हमको वैल्यू निकालना। फर्स्ट और थर्ड में क्यों जाएगा? क्योंकि टैन थीटा पॉजिटिव है। अब थर्ड को करें इग्नोर, फर्स्ट के बारे में सोचे। आप बताइए टैन थीटा इज इक्वल टू वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे होता है? तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे। अगर आप यहां पे पाई बाई फोर रखेंगे तो टैन पाई बाई फोर का वैल्यू होता है वन, तो थीटा पाई बाई फोर हो गया। और किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है। क्यों? क्योंकि टैन थीटा पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट और थर्ड में होगा। तो थीटा तो हम निकाल चुके हैं, अब यहां पे थीटा की जगह पे पाई बाई फोर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई प्लस पाई बाई फोर आएगा, मतलब कि ये आपका पाई बाई फोर आ गया और ये आपका फाइव पाई बाई फोर आ गया। तो ये आपका थीटा हो गया पाई बाई फोर और फाइव पाई बाई फोर, जो कि जीरो और टू पाई के बीच है। अगर आपके पास टैन थीटा हो माइनस वन, तो देखिए यहां माइनस वन है तो निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड और फोर्थ में होता है। आप क्या करें, हम आपको क्या बताएं कि किसी भी क्वाड्रेंट में लाइकर आप हमेशा फोकस करें फर्स्ट पे। आप यहां से माइनस को कर दे इग्नोर, तो अगर हम माइनस को इग्नोर किए तो टैन थीटा वन हुआ। अब आप सोचे कि टैन थीटा वन फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे होता है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। लेकिन क्या ये एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये किस में जाना चाहिए? सेकेंड और फोर्थ में जाना चाहिए। तो सेकेंड में आपका एंगल क्या होगा? एंगल सेकेंड में आपका एंगल क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा, ये थीटा इज व्हाट? पाई बाई फोर, तो पाई माइनस पाई बाई फोर। फिर फोर्थ में आपका क्या बनेगा? टू पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे? पाई बाई फोर। अब आप एलसीएम ले तो ये थ्री पाई बाई फोर हो गया, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये सेवन पाई बाई फोर हो गया। तो आपके पास एंगल क्या आ गया? थ्री पाई बाई फोर से सेवन पाई बाई फोर। याद रखे, आपके पास किसी भी क्वाड्रेंट पे रहे, जैसे ये टैन थीटा निगेटिव है तो टैन थीटा निगेटिव है मतलब सेकेंड और थर्ड में फोर्थ में होगा। तो आप माइनस को इग्नोर करके सोचे टैन थीटा वन आ गया, थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर आ गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया? पाई बाई फोर। अब यहाँ पे थीटा के यहाँ पे पाई बाई फोर रख दे, यहाँ पे थीटा के यहाँ पे पाई बाई फोर रख दे, यहाँ पे पाई बाई फोर रखे तो थ्री पाई बाई फोर आ गया, यहाँ पे थीटा के यहाँ पे पाई बाई फोर रखे तो आपका क्या आ गया? सेवन पाई बाई फोर। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, मेरे पास है मानिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है रूट थ्री बाई टू या माइनस रूट थ्री बाई टू हम ले लिए। तो गौर करें, कॉस थीटा निगेटिव है, कॉस थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड और थर्ड में होता है। तो यहां पे आप माइनस को इग्नोर करके सोचे तो कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू। अब आप बताएं यहां पे थीटा, थीटा यहां पे क्या बनेगा? आपका पाई बाई सिक्स बनेगा, क्योंकि कॉस थर्टी ही आपका रूट थ्री बाई टू होता है।
अब ये जाएगा किस में, सेकेंड में जाएगा और फोर्थ में जाएगा, तो यहां पे थीटा क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा के यहां पे पाई बाई सिक्स रख दिए, फिर थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स रखे, यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, फाइव पाई बाई सिक्स, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेवन पाई बाई सिक्स, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, फाइव पाई बाई सिक्स से सेवन पाई बाई सिक्स के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा आपका क्या आ गया, 5 पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6 के बीच। तो इस प्रोसेस से हम एंगल को फाइंड करेंगे, याद रखें इस प्रोसेस से हम एंगल को क्या करेंगे, फाइंड। अगर आप वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पाई प्लस थीटा, अगर वापस आप इसमें जाएंगे तो उसी तरह से क्या करेंगे, पाई पाई सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, या 2 पाई प्लस थीटा बना, इसमें थीटा गया, फिर 2 पाई प्लस थीटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा, जो भी आएगा वहां से निकालते चले जाएंगे। तो ये था आपका 0 से 2 पाई के लिए, और आपका 0 से 2 पाई के लिए ही पूछा जाता है, याद रखें, क्योंकि 2 पाई के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। 2 पाई के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो मेन आपको 0 से 2 पाई के लिए दिमाग में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, हमको यहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है कि 0 से 2 पाई में फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। ध्यान दे, यहां पे fx दिया हुआ साइन x प्लस कॉस x, x का वैल्यू दिया है 0 से 2 पाई, तो हमको बताना है कि 0 से 2 पाई में फंक्शन fx जो है कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो यहां पे हम पहले इसको डिफरेंशिएट किए, एफ डैश एक्स आया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस x, फिर कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन x, ये एफ डैश एक्स आ गया। सबसे पहला स्टेप तो यही था कि एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां पे एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स के जगह पे हम रख दिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हमको यहां पे एक्स निकालना पड़ेगा, याद करें अलजेब्रिक प्रॉब्लम में क्या करते थे, इनइक्वालिटी में कोई भी चीज होता था एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो सबको हम इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करते थे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हम कैसे निकालते थे, इसको जीरो से इक्वेट करते थे, इसको जीरो से इक्वेट करते थे, तो एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट किए, एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट किए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो इसको जीरो से इक्वेट किए, जीरो से इक्वेट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे भी जीरो से इक्वेट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के मदद से। साइन एक्स को इस साइड ले जाए तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, साइन एक्स। अब हम दोनों तरफ अगर कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बना, इधर आपके पास क्या बना, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। गौर करें ये आपके पास क्या आ गया, टेन एक्स आ गया, इधर ये कॉस एक्स बाई कॉस एक्स आपका क्या आ गया, वन। एक्स का वैल्यू निकालना है, आप यहाँ पे देखिए टेन एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है, इंटरवल क्या है, 0 से 2 पाई। अभी हम बताए थे कि tan x अगर पॉजिटिव होता है तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट और थर्ड में, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, और ये किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। क्यों थर्ड में जाएगा, क्योंकि tan x पॉजिटिव है, तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनता था, वो पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या बनेगा, पाई प्लस पाई बाई 4 बना, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। जैसे अलजेब्रा में आपके पास x का वैल्यू आया, इसके बाद आप याद करें क्या करते थे, नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, तो उसी तरह से यहां पे x का वैल्यू आया पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, अब इसको भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दे, नंबर लाइन पे हमेशा हम प्लॉट करते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं रहता था, लेकिन यहां पे इंटरवल दिया हुआ 0 से 2 पाई,
तो 0 से 2 पाई दिया हुआ है, तो जो नंबर लाइन होगा वो 0 से 2 पाई के बीच ही होगा। याद रखे, जो इंटरवल दिया रहेगा उतना ही नंबर लाइन होगा। अगर 0 से 3 पाई होता तो 0 से 3 पाई, अगर 0 से π/2 होता तो 0 से π/2। अब 0 से 2 पाई के बीच में ये वैल्यू आ रहा है तो इसको रखे π/4, जो वैल्यू इसके बीच में आएगा उसी को रखेंगे, जो इसके बीच में नहीं आएगा उसको बाहर कर देंगे। ये 5π/4 तरीका सेम है वही। अब किसी जोन से वैल्यू उठाएंगे, जहां से आप कंफर्टेबल वहां से उठाएं, जैसे 0 π/4, 0 π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो 0 और 45 के बीच एक 30 डिग्री होता है, तो हम 30 डिग्री उठाते हैं। 30 डिग्री अगर हम यहां पे रखे, चेक करते थे, याद कीजिए इसमें भी x1 x = 2 है, किसी जोन से एक पॉइंट उठाते थे, उसको एफ डैश में पुट करते थे, उसके बाद चेक करते थे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता था तो प्लस साइन देते थे, नेगेटिव आता था तो नेगेटिव साइन, इसका अल्टरनेट साइन देते थे। सेम यहां पे 0 और π/4 के बीच में 30 है, 30 अगर हम यहां पे रखे तो आप खुद देखे cos 30 का वैल्यू क्या आएगा, √3/2 आएगा। यहां पर अगर 30 रखेंगे तो 1/2, तो -1/2 आया। आप खुद देखे √3 - 1/2, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.732 होता है, तो इसमें पॉजिटिव आया, तो इसमें आपका क्या आएगा नेगेटिव, इसमें आपका क्या आएगा पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। आप खुद देखे पॉजिटिव कहां से कहां मिल रहा है, 0 से π/4 और 5π/4 से 2π, तो यहां पे इंक्रीजिंग बनेगा कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4। इक्वालिटी है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 5π/4 से 2π, इक्वालिटी है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन जो बुक में आपका दिया हुआ है वहां पे ओपन इंटरवल दिया है, रीजन क्या है, क्योंकि इंक्रीजिंग कह के वो f(x)0 लिया, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे। अब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए आप खुद याद करें, डिक्रीजिंग के लिए हम क्या बताए थे, डिक्रीजिंग अगर है तो f(x) आपका <= 0 होना चाहिए, तो f(x) तो यही है, <= 0। देखिए यहां पे है नेगेटिव में है, तो यहां पे आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका x जो होगा वो क्या बनेगा, π/4 से 5π/4, तो π/4 से 5π/4 यही आपका आंसर हो गया। तो जिस तरीके से हम अलजेब्रा में बनाते थे ठीक वही तरीका हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया। सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, f(x) आया, उसके बाद 0 से इक्वेट करके x निकालेंगे। x निकालते समय जो कंसेप्ट हम दिए वही कंसेप्ट का आप यूज करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉसोसेक। फर्स्ट में आप एंगल हमेशा निकालेंगे, फर्स्ट में थीटा आया तो सेकेंड में π - θ, थर्ड में π+θ आएगा, फोर्थ में क्या बनेगा (2π - θ)। थीटा निकाले, नंबर लाइन पे प्लॉट किए, नंबर लाइन का जो जोन होगा वो 0 से 2π ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2π है। अगर 0 से π होता तो यहाँ पे 0 से π हम लिखते, याद रखें। इसके जो पॉइंट आया है उसको पुट करेंगे, उसके कहीं से कोई एंगल निकाल के पुट करके देखेंगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव चाहिए तो 0 से π/4, 5π/4 से 2π पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव चाहिए तो π/4 से 5π/4। के पास एक प्रॉब्लम है, सेपरेट 0 से π/2, मतलब इंटरवल यहाँ पे पहले से डिजाइन कर दिया गया है 0 से π/2 इंटू सब इंटरवल, मतलब इस 0 से π/2 को सब इंटरवल में ब्रेक करना। फंक्शन दिया हुआ f(x) = sin 3x, जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब कि आपको बताना है कि ये जो फंक्शन f(x) = sin 3x है 0 से π/2 में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ध्यान दें, आपको यहां पे बताना है कि f(x) = sin 3x 0 से π/2 में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। आराम से बढ़ते हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये f(x) sin 3x का डिफरेंशिएशन, cos 3x, कैसे, sin का cos 3x, फिर 3x का 3। अब इंक्रीजिंग लेके चलते हैं, इंक्रीजिंग के लिए f(x) एक को लेके चले, याद रखे, या तो इंक्रीजिंग लेके चले या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए आया तो डिक्रीजिंग के लिए जो बच गया, या फिर डिक्रीजिंग के लिए जो आया वो इंक्रीजिंग के लिए अगर निकालना तो जो बच जाएगा वो, याद रखे, एक अगर आप निकालते हैं तो दूसरा अपने आप निकलेगा। तो 3 cos 3x > 0, तो cos 3x > 0,
अब यहाँ पे कॉस है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका बहुत तरीका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं जिस तरह से हम नंबर लाइन में निकालते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से सीखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉस 3x है तो कॉस 3x को हम 0 से इक्वेट किए। अब आप सोचिए, यहाँ पे x का वैल्यू आप देख रहे हैं, x याद रखिए आप 0 से पाई बाई 2, मतलब x इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसी इंटरवल में रखना। कॉस 3x, कॉस का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होता है ये सोचे। तो कॉस का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है, मतलब कॉस पाई बाई 2 पे 0 होगा और 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 3x जो है वो या तो पाई बाई 2 हो या फिर 3 पाई बाई 2 हो। तो 3x है ना पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, तो x आपका क्या होना चाहिए, x 3 से डिवाइड करेंगे तो x आपका होना चाहिए पाई बाई 6 होना चाहिए, और जब ये डिवाइड होगा तो x आपका क्या होना चाहिए पाई बाई 2, मतलब x का वैल्यू आपका क्या आ गया पाई बाई 6 से पाई बाई 2। ध्यान दे, यहाँ पे cos 3x था, cos 3x को हम 0 से इक्वेट किए, तो cos 0 कब बनता है ये आपको याद रखना। cos 0 कहाँ पे बनता है, x y एक्सिस पे cos हमेशा 0 होता है और x एक्सिस पे sin हमेशा 0 होता है। y एक्सिस पे cos हमेशा 0 और x एक्सिस पे sin हमेशा 0, ये चीज़ हम क्लास 11th में डिस्कस भी किए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग भूल गए हैं, कि y एक्सिस पे cos का वैल्यू हमेशा 0 और x एक्सिस पे sin का वैल्यू हमेशा 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे 3x को हम पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 लिए, x निकालना था तो x का वैल्यू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 2 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये पाई बाई 6 और पाई बाई 2 दोनों इसके बीच में है, तो ये 0 याद रखें, यहाँ पे इंटरवल 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 ही रखेंगे, तो ये 0 से पाई बाई 2 रखें, इसके बीच में आपके पास क्या आ रहा पाई बाई 6 आ रहा, पाई बाई 6। अब हम कहीं से कोई वैल्यू उठाएंगे तो पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच 45 डिग्री आता है, पाई बाई 6 मतलब आपका 30 डिग्री और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो 30 और 90 के बीच 45 आता है। 45 को आप यहाँ पे रखें, याद रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप 45 रखते हैं, गौर करें यहाँ 45 अगर आप रखेंगे तो 3 इंटू 45 बनेगा, 3 इंटू 45 आप खुद सोचे, 3 इंटू 45 मतलब होता 135 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, मतलब कि 45 पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो आपको हम बताए थे कि अगर ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे क्या देंगे प्लस। अब ये नेगेटिव आया, ये है क्या एफ डैस एक्स है, तो एफ डैस एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 से पाई बाई 6 में आ रहा है, और नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में। तो आप खुद बताएं इंक्रीजिंग फंक्शन ये कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6, और डिक्रीजिंग फंक्शन ये कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 2, इस पे क्लोज्ड और इस पे भी क्लोज्ड, इन सब पे कैसा इंटरवल होगा क्लोज्ड। तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक का सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम। यहाँ पे एंगल हम जानबूझ के 3x टाइप कर लिए, कि 3x टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, तरीका वही है, याद रखें इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये आया आपके पास cos 3x, इसको 0 से इक्वेट कर दिए, इसको 0 से इक्वेट किए। अब हम सोचेंगे cos 0 कहाँ होता है, तो पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, तो हम यहाँ पे 3x को पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 लिए, x को पाई बाई 6 और पाई बाई 2, इसके आगे भी 0 होता है। अगर हम यहां पे देखें ये 5 पाई बाई 2 पे भी 0 होगा, तो अगर हम यहां पे 5 पाई बाई 2 लेते तो आप खुद सोचिए यहां पे x क्या बनता आपका 5 पाई बाई 6, तो ये जो वैल्यू आता वो इस जोन में नहीं आता, इसलिए इस चीज को हम इग्नोर कर दिए थे, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 2 नहीं लिए। तो मेरे पास x का वैल्यू पाई बाई 6 और पाई बाई 2 आया, यहां पे 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 रखे, इसके बीच में पाई बाई 6, अब पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच कोई एक वैल्यू उठाए 45 डिग्री, 45 डिग्री हम इसमें पुट किए, पुट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव दिए यहाँ पे पॉजिटिव, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा जिसमें पॉजिटिव होगा, तो 0 से पाई बाई 6 में इंक्रीजिंग और पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में ये क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, उस प्रॉब्लम को ज़रा देखें आप। आपके पास है एक प्रॉब्लम, fx इज इक्वल टू 4 साइन एक्स
माइनस टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाई टू प्लस कॉस एक्स। इंटरवल यहां दिया हुआ है 0 से 2 पाई। आपको बताना है कि कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये एफ डैस एक्स, आप खुद देखें ये यू बाई वी के फॉर्म में है, तो यू बाई वी के फॉर्म में है तो हम आराम से इसको यू बाई वी के मदद से डिफ्रेंशिएट करते हैं, या थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के काम करें तो इसको गौर करें, ये 4 sin x डिवाइड बाई 2 plus cos x लिख सकते हैं। इन दोनों से आप गौर करें माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो ये 2 plus cos x डिवाइड बाई 2 plus cos x हो गया। आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे, जरूरी नहीं कि आप इतना सोच लें, आप सीधा इसको u by v से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। याद रखें सीधा u by v से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपका आंसर आएगा यहां पे ये 2 plus cos x 2 plus cos x कैंसिल। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 4 sin x डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया 2 plus cos x माइनस एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि अब ये थोड़ा आसान हो गया इसके मुकाबले। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स, ये देखिए यू बाई वी के फॉर्म में है तो 2 plus cos x को हम छोड़ दिए, 4 sin x 4 sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 4 cos x, फिर फॉर्मूला का माइनस। अब हम 4 sin x को छोड़ दिए, अब यहाँ पे 2 है, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस माइनस मिल के आपका क्या बन गया प्लस। ये प्लस क्यों बना समझ में आया, पहले से यहाँ पे माइनस था, इसको छोड़े 4 sin x को, 2 plus cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 कांस्टेंट है, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन एक्स होल डिवाइड बाई नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 plus cos x का होल स्क्वायर और माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे और इधर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो गौर करें ये मेरे पास क्या आने वाला है, हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए 8 cos x बन रहा है, 8 cos x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 4 cos² x, यहाँ पे आपके पास है प्लस 4 sin² x, एलसीएम लिए तो माइनस 2 plus cos x का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2 plus cos x का होल स्क्वायर आ गया। अब आप गौर करें ये तो 8 cos x, इन दोनों से 4, यहां पे गौर करें इन दोनों से अगर हम 4 कॉमन देते हैं तो 4 अगर हम कॉमन देंगे तो क्या आएगा cos² x + sin² x आएगा, cos² x + sin² x का वैल्यू क्या होता 1, तो यहां पे केवल 4 बचा। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 बनेगा, cos x का स्क्वायर मतलब cos² x बना प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 4 cos x, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएं a + b² a + b² क्या होता है a² + b² + 2ab और होल डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया 2 plus cos x का होल स्क्वायर आया। अब हम यहां पे इसको केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट किया अभी तक केवल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, यहां पे देखिए प्लस 4 है यहां पे माइनस 4 है तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, यहां पे देखिए 8 cos x है ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पे 8 cos x है ये माइनस 4 cos x, तो 8 cos x माइनस 4 cos x आपका क्या बनेगा 4 cos x बनेगा, यहां पे माइनस cos² x बना तो ये cos² x बन गया, नीचे आपके पास क्या आ रहा 2 plus cos x का होल स्क्वायर आया। इन दोनों में आप खुद देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट क्या है एफ डैश एक्स है, तो यहां पे मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, इन दोनों से हम cos x कॉमन देते हैं तो अगर इन दोनों से cos x हम कॉमन ले ले तो cos x कॉमन दिए तो क्या बचेगा ये 4 बचा, 4 माइनस cos x बचेगा होल डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर बचा। ध्यान दें यहां पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या था एफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x - 2x - x cos x डिवाइड बाई 2 plus cos x, हम यहां पे क्या किए थे 4 sin x डिवाइड बाई 2 plus cos x किए थे, यहां से माइनस एक्स कॉमन देखे 2 plus cos x डिवाइड बाई 2 plus cos x किए। जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही बढ़ेंगे, आप यहां पे सीधा u बाई वी लगा के भी बढ़ सकते हैं, सिंप्लीफाई किए डिफ्रेंशिएट किए मेरे पास ये आ गया। अब हम यहां पे थोड़ा सा सोचेंगे, सोचेंगे कैसे जरा ध्यान दें और कैसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास फाइनली एफ डैश एक्स क्या आया,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आया इंटू फोर माइनस कॉस एक्स आ गया और नीचे आपके पास आ रहा है टू प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा सोचे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखें ये पॉजिटिव कब होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। टू प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जब हमेशा पॉजिटिव है तो इसका कोई काम है नंबर लाइन में? आपको हम बता चुके हैं कि जो चीज हमेशा पॉजिटिव होता है वो नंबर लाइन में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हम 4 माइनस कॉस एक्स को देखें तो 4 माइनस कॉस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि आप याद करें कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस वन और वन के बीच होता है। तो अगर हम यहां पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा तो ये फाइव बनेगा। अगर हम कॉस एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो फोर माइनस वन थ्री बनेगा, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है ना वो थ्री और फाइव के बीच लाई करेगा। तो जब थ्री और फाइव के बीच लाई करेगा, थ्री और फाइव के बीच कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों थ्री और फाइव के बीच लाई कर रहा है यह समझना जरूरी है, क्योंकि कॉस एक्स का वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच है और यहां पे 4 है तो 4 आप बताइए माइनस वन और 1 दोनों से बड़ा है कि नहीं, और 4 आपका पॉजिटिव में है तो इसमें कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दे ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंड कर रहा है कॉस एक्स पे। जब कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, जब कॉस एक्स पॉजिटिव होगा तब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जब कॉस एक्स नेगेटिव होगा तब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यहां पे इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 से 2 पाई दिया हुआ है। अब आप खुद देखें cos x पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, cos x नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। cos x पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो फर्स्ट और फोर्थ में होता है। फर्स्ट और फोर्थ, यहां पे गौर करें 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई का मतलब यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, थर्ड क्वाड्रेंट भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। मतलब जब x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या जब x का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो cos x पॉजिटिव होगा, और जब cos x पॉजिटिव होगा तो f डैश x क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए x का कैसा होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई बाई 2, और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आप बताइए क्या होता है? 3 पाई बाई 2 से 2 पाई होता, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। एंड फॉर डिक्रीजिंग f डैश x शुड बी व्हाट? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब cos x को नेगेटिव होना चाहिए। cos x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाई 2, तो हम एक बार में कह सकते हैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। लेकिन आपके बुक में याद रखे ओपन इंटरवल यूज किया है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट कैसे लगाते हैं। बहुत आसान है, जैसे आपको नंबर लाइन हम जेब्रा में बताए थे वैसे ही हम नंबर लाइन का यूज यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किए। बस आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा बनता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा बनता है, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।